अगेंस्ट 2021 का क्वेश्चन में पूछता है, विद रेफरेंस टू द इंडस रिवर ऑफ द फॉलोइंग फोर रिवर्स, थ्री ऑफ देम पोर इनटू वन ऑफ देम, मतलब तीन नदियां ऐसी हैं जो एक दूसरे में जाके मिल जाती हैं, फिर जो इंडस को डायरेक्टली ज्वाइन करती है, एक जो लास्ट नदी होती है। तो पूछ रहे कि ऐसी कौन सी नदी है जो इंडस को डायरेक्टली ज्वाइन करती है। तो उसके लिए आपको मैप देखना चाहिए, मतलब मैप को ऐसे ऑब्जर्व करिए, आप ऐसे क्वेश्चंस मैप से ही होंगे। तो देखिए, ये है इंडस, आपकी इंडस जा रही है, ये झेलम, ठीक है। तो झेलम जाके मिल जा रही है चेनाब में, ठीक है, फिर झेलम चेनाब एक नदी बन गई, फिर ये जाके मिल गए रावी में, और रावी जाके मिल गई सतलज में, तो एंड में जाके क्या मिल रही है, सतलज मिल रही है। तो इसका आंसर आपको सतलज मारना था, ठीक है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। फिर इसी मैप में ऊपर आप क्या देख सकते हो, आप ये देख सकते हो कि देखो इंडस और सतलज, ये सतलज है, ये दोनों रिवर्स ना एक ही पॉइंट के आसपास से निकल रही हैं, कैलाश मानसरोवर रेंज से, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये भी पूछते हैं कि इनमें से कौन सी ट्रांस बाउंड्री रिवर है, मतलब जो ट्रांस बाउंड्री मतलब इंडिया की बाउंड्री के बाहर से ओरिजिनेट होती है, तो वो है आपकी इंडस और सतलज, ठीक है। फिर आप ये देख सकते हो कि इंडस जो है वो लद्दाख में सीधा सीधा निकलती है, लाइक लद्दाख के बीचों बीच से निकलती है और किसी स्टेट में नहीं घुसती है, ठीक है। फिर आप ये देख सकते हो कि जम्मू कश्मीर से सिर्फ एक नदी है जो ओरिजिनेट होती है, वो है झेलम, ठीक है। तो वूलर लेक, कोई पूछे आप कहाँ वूलर लेक, आपको पता श्रीनगर में है, तो उस कौन सी नदी पे है, तो आप आग बंद करके मार सकते हो, झेलम पे है, आपका ऐसे दिमाग चलना चाहिए। फिर आप देखो हिमाचल से कौन कौन सी नदियां ओरिजिनेट हो रही हैं, वो है आपकी चेनाब, रावी, ठीक है, ब्यास भी हो रही है। फिर आप देख सकते हो कि पंजाब में हरिकेन वेटलैंड वो किस नदी पे है, तो वो ब्यास और सतलज पे है, आप ये को ध्यान होना चाहिए, मतलब इसको आप देखो। फिर आप देख सकते हो कि ये मिठानकोट है, यहाँ पे आपकी ये सतलज और इंडस एक दूसरे में मिल जाती हैं, ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछते हैं, ये पूछा हुआ है, ठीक है। फिर आप ये देख सकते हो कि आपका ये जो ले है ये किस नदी पे है, ठीक है, तो ये आपका इंडस पे है। फिर पूछते हैं कि ये कौन सी बैंक पे है, राइट बैंक पे, लेफ्ट बैंक पे, तो उसको देखने का तरीका ये कि इंडस का फ्लो ऐसे है, ठीक है। तो आप क्या देखोगे कि जैसे आप जा रहे हो इस साइड, तो आपके ये ले है किस हैंड पे पड़ेगा, राइट हैंड पे पड़ेगा, तो इसीलिए ही राइट हैंड पे पड़ता है इंडस, ठीक है, इंडस के और ऊपर इंडस के, आपको ध्यान रखना है ये भी, अगर आपको कुछ राइट टू लेफ्ट ध्यान आ रहा है, आप सिर्फ याद रखो कि इंडस के ऊपर है, तो फिर आपको इमेजिन करो और फिर राइट हैंड पे आपको खुद आंसर मिल जाएगा, राइट हैंड पे पड़ता है ये। फिर उसके बाद आप क्या देख सकते हो, मोटा मोटा यही है। फिर आप ये देख सकते हो कि जो आपकी ये लेक मानसरोवर है ना, यहाँ से इसके आसपास से ही तीन नदियां निकलती हैं, ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है, जैसे कि इंडस हो गया आपका, ठीक है, ये हो गया सतलज, और एक यहाँ से निकलती है ब्रह्मपुत्रा, जो ऐसे यहाँ से होती हुई जाती है नीचे अरुणाचल प्रदेश में जाके इंडिया में घुसती है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो यही क्वेश्चन है मेजरली जो पूछे जाते हैं, और दैट्स ऑल, लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो।